अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड चीज़ रोल, ठीक है। और आज जिन चीज़ों की हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी, उस सबसे पहले जो है वो आपको ब्रेड स्लाइस चाहिए, ठीक है। इसके किनारे जो है वो आप लोगों ने क्या कर लेने हैं, उतार लेने हैं। और उसके अलावा हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए। ब्रेड क्रम्स जो है वो मैंने खुद घर में ही तैयार किए हैं। वो किस तरह से तैयार किए हैं, मैंने जो इनके किनारे उतारे थे, ठीक है, मैंने उसको क्या कर लिया है, उसे जो है वो क्रम्स जो है वो बना लिए, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, मार्केट वाले भी ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पर चेडर जो चीज़ है वो यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्लाइस चीज़ नहीं यूज़ की, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो स्लाइस चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और ये भी आपके पास ऑप्शनल है कि आप चेडर चीज़ यूज़ करना चाहते हैं या मोज़रेला। उसके अलावा 3 से 4 अदद जो है वो आपको अंडे चाहिए होंगे। आइए अब हम बनाते हैं अपनी रेसिपी। अब सबसे पहले क्या करना है, हम ये जो स्लाइसेस हैं, ठीक है, इसको बेलने की मदद से जो है वो बेल लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके चारों कोनों को जो है वो बिल्कुल आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो बेल लेना है। सारे कोनों पे जो है वो अच्छे तरीके से इसको बेल लेना है और साइड पे रख देना है। इसी तरीके से आपने दूसरा लेना है, बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो आपने बेल लेना है। ये रेसिपी जो है वो मैंने ट्राई की थी, ठीक है, मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी बताऊं, ताकि आप लोग भी जो है वो ट्राई करें, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी लगेगी। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी जो दूसरी बताई हुई रेसिपीज हैं, ठीक है, उनको भी ट्राई करें। और काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिए करें कि आपको हमारी रेसिपी जो है वो कैसी लगती हैं। अगर आप कोई फरमाइश वगैरह करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने जो है ये स्लाइस लेना है। उसके बाद ये मैंने जो है ये चीज़ जो है चेडर चीज़ का जो है वो एक पीस जो है वो मैंने इसको कट कर लिया। आपने क्या करना है, बिल्कुल इस तरीके से इसके यहाँ पर साइड पर रखना है, ठीक है। साइड पर रखने के बाद आपने इसको इसी तरीके से जो है वो रोल कर देना है, ठीक है। बिल्कुल एहतियात के साथ जो है वो आपने इसको रोल करना है, ठीक है। ये जो है वो हमारा एक जो रोल है, ठीक है, ये तैयार हो चुका है। अब मैं जो है वो दूसरा बनाऊंगी। तरीके से जो है वो आपने ये दूसरा लेना है, ठीक है, और इसको यहाँ पर रखना है। या आप ऑप्शनल है कि आप जो है वो ज़्यादा चीज़ यूज़ करना चाहते हैं या कम, या आप पे खुद डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है वो दूसरा रोल भी जो है तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ जो है वो ट्रिक बता देती हूँ। जब हम रोल जो है वो रोल करेंगे ना, ठीक है, तो ये एंड पे जो है ना, ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपकी इस तरह जो है वो चिपकेगी नहीं। तो आपने क्या करना है, पानी ले लेना है सिंपल वाला, ठीक है, और इसको थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो आपने इसके ऊपर जो है ना इधर डालना है, ठीक है, ताकि ये गीला हो जाए। और ये गीला हो जाएगा और इसको थोड़ी देर जो है वो आपने यूँ क्या कर देना है, प्रेस कर देना है। तो आपका रोल जो है ये देखें बिल्कुल इस तरीके से जो है ये जुड़ जाएगा, ठीक है, ये जो है वो फिर खुलेगा नहीं। ये देखें इस तरीके से जो हमारे सभी ये देखें हमारे सभी रोल जो है वो हमने तैयार कर लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, अब मैंने जो है वो तीनों अंडे जो है वो बीट नहीं किए क्योंकि ज़ाया ना हो, ठीक है। मैंने सिर्फ 2 अंडों को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो बीट कर लिया, ठीक है। आपने भी जो है वो इसको अच्छे तरीके से जो है वो बीट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें कहना है, इसमें जो है थोड़ा सा जो है वो हम पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर देंगे, नमक थोड़ा सा ऐड करना है आपने, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो अपने इसमें जो है वो आपने 1/2 टीस्पून जो है वो आपने क्या करना है, ब्लैक पेपर जो है वो डाल देनी है। ये एक्सेप्शनल है, अगर आप ब्लैक पेपर यूज़ करना चाहते हैं तो डाल लें, अगर नहीं तो ना डालें, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से जो है वो आपने क्या कर लेना है, मिक्स कर लेना है। चलें अब जो है वो हम क्या करते हैं, अपने रोल्स को जो है वो फ्राई करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपने जो है वो ऑयल ले लेना है, ठीक है, और इसको जो है वो आपने गरम कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं जो है वो इसको शैलो फ्राई करूँगी। बेहतर ये है कि आप भी जो है इन रोल्स को शैलो फ्राई करें। चलें अब जो है वो हम इसकी कोटिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो कोटिंग के लिए सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है, एक रोल ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसको जो है वो अंडे में जो है बिल्कुल इस तरीके से जो है वो रोल करना है, ठीक है।
अंडे में रोल करने के बाद आपने जो ये ब्रेड क्रम्स हैं इसमें जो है इसको रोल करना है, ठीक है। ब्रेड क्रम्स मैं यहाँ पर इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा जो है वो आपका क्या है, क्रिस्पी आए, ठीक है। इस वजह से जो है वो आपने इसको अच्छे तरीके से जो है इसके ऊपर रोल कर लेना है। देखिए हमारे रोल जो है वो कोटिंग के बाद जो है वो इस तरह से जो है वो दिख रहे हैं। अब जो है वो हम इनको फ्राई करेंगे, ठीक है। ये हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रोल जो है वो इसमें जो है वो फ्राई के लिए डालेंगे, ठीक है। तो आपने जो है वो क्या करना है, मीडियम आंच रखनी है इसकी, ठीक है, ना ज़्यादा हो और ना ही जो है वो कम हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसा ऐसा से जो है वो आपने दो से तीन जो है वो आपने क्या करने हैं इसमें रोल डालने, ठीक है। और इसको जो है आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। और जैसे एक साइड जो है वो इसकी थोड़ी सी फ्राई होगी तो मैं क्या करूँगी, इसकी दूसरी साइड कर दूँगी, ठीक है। देखिए कितना प्यारा जो है ये इसका कलर आ रहा है। इस तरीके से जो आपने इसकी दूसरी साइड और इसी तरीके से इसकी भी आपने साइड जो है वो कर लेंगे। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने बिल्कुल जो है इसकी आँच जो है वो ज़्यादा नहीं रखनी है, वरना ये जो है वो क्या करेंगे, जल जाएंगे, ठीक है। साइडों से ये जो आपको ये जो साइडों से नज़र आ रहे हैं इसको भी आपने अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई कर लेना, ठीक है। इसकी ये वाली थोड़ी सी साइड रहती है, अब जो है वो मैं इसको क्या करूँगी, निकाल लूँगी, ठीक है। इसको जो है वो हम अच्छे तरीके से जो है वो उसका ऑयल उतार के इसको जो है वो क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो प्यारी खुशबू आ रही है, ठीक है। आप लोगों ने जो है ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ये देखिए हमारे जो है वो रोल जो है वो रेडी हो चुके हैं, फ्राई हो गए हैं, ठीक है। और आपने ये रेसिपी जो है वो ज़रूर जो है वो ट्राई करनी है। हमारे चैनल को जो है वो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। खुश रहें, आबाद रहें, और अल्लाह ताला जो है वो आप लोगों की तमाम लोगों की जो है वो सब तमाम मुश्किलात जो है वो आप लोगों की आसान कर दे। आमीन सुमामीन, अल्लाह हाफिज़।